सो गाइस, क्या आपने माइनक्राफ्ट में कभी एंडरमैन के बारे में सुना है, जो कि एंडरमैन और हीरो ब्रांड को मिला के बना है, जो कि बहुत ही खतरनाक है? और क्या आप माइनक्राफ्ट के एक्वा ब्रांड के बारे में जानते हो, जो कि सिर्फ ओशन में ही रहता है? और ग्रैनी गेम तो आपने पहले खेला ही होगा। और क्या आपको पता माइनक्राफ्ट में ग्रैनी भी एग्जिस्ट करती है? सो गाइस, ग्रैनी इतना पॉपुलर गेम तो आप सबने एक ना एक बार तो खेला ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है माइनक्राफ्ट में भी ग्रैनी एग्जिस्ट करती है? हाँ गाइस, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनक्राफ्ट में ग्रैनी को रिसेंटली स्पॉट करा गया है। और हमारी ग्रैनी बस हमारे एक ही सीड में मिल सकती है, जिस सीड का नाम है ग्रैनी। मतलब यार, सीड का नाम भी ग्रैनी है तो मतलब यार गेम, मतलब वर्ल्ड तो कितना ज्यादा हॉरर होगा। सो यार, ये तो टेस्ट करना बनता है। सो गाइस, मैं सीड में आ चुका हूँ। एंड क्या माइनक्राफ्ट में हम रात को भी स्पॉन होते हैं? पता नहीं यार, मुझे तो नहीं पता था कि माइनक्राफ्ट में हम रात को भी स्पॉन होते हैं। चलो कोई नहीं भाई, ठीक है, अभी हमें ग्रैनी को ही ढूंढना है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ग्रैनी को ही ढूंढना है यहाँ पे इस वर्ल्ड में। एंड पता नहीं हमें ग्रैनी कब तक मिलने वाली है, क्योंकि यार रात का टाइम हो रहा है। एंड रात को ढूंढना, मतलब यार रात को ग्रैनी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहेगा। एंड एक सेकेंड भाई, वहाँ पर कुछ रेडस्टोन टॉर्च है, ये क्या है भाई? नॉर्मल वर्ल्ड में रेडस्टोन टॉर्च कहाँ से आ सकती है यार? अबे यार, ये क्या हो रहा है यार? भाई यार, ये रियल तो नहीं? मुझे डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा आगे तक रेडस्टोन टॉर्च जा रही हैं। मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा आगे तक रेडस्टोन टॉर्च तोड़ते हुए जाना पड़ेगा। एंड लगता है कि थोड़ी देर में अभी सुबह भी हो जाएगी। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले, सो गाइस फाइनली मैंने ज्वाइन कर लिया माइनक्राफ्ट में आज सुबह का सर्वर। और अगर तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे तुम्हें सर्वर की आईपी दिख रही होगी। एंड यार, सासुबो के सर्वर में मैं खुद खेलता हूँ। एंड यार, इसमें लिटरली 25,000 से ज्यादा लोग खेलते हैं, मतलब ये 25,000 से ज्यादा लोग। एंड यार, पहले तुम सर्वर तो देखो यार, कितना सुंदर सर्वर है, इसमें कौन नहीं खेलना चाहेगा भाई, इतना सुंदर सर्वर बना रखा है आसुबो ने यहाँ पे। एंड इस बार यार आसुबो ने अपना खुद का ऐप भी बनाया, और उस ऐप को अगर तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो तुम उसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और अगर मेलिंग से डाउनलोड करोगे तो तुम्हें 500 कॉइंस इंस्टेंट मिल जाएंगे। एंड यार, ऐप इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें सिंपली यहाँ पे गूगल से साइन इन करके अपना माइनक्राफ्ट गेमर टैग यहाँ पे डाल देना है, जिससे तुम्हारा साइन इन हो जाएगा। एंड यार, आसुबो के ऐप से तुम अपना हीरो किट भी बाय कर सकते हो, और हीरो किट लिटरली 980 कॉइंस में मिल जाएगा, मतलब यार 10 रुपये से भी कम। एंड हीरो किट बाय करने के बाद तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल आर्मर भी मिल जाएंगे, और तुम्हें काफ़ी सारी एक्सेस भी मल जाएगी। मतलब यार, हीरो किट तो बहुत ही ओपी चीज़ है सुबह के सर्वर में। एंड यार, इसी ऐप के हेल्प से तुम लिटरली 500 कॉइन्स में अपने लैंड क्लेमिंग भी कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें लैंड क्लेमिंग नहीं पता तो मैं बता देता हूँ लैंड क्लेमिंग होता क्या है। लैंड क्लेमिंग में कोई भी बंदा तुम्हारी चेस्ट नहीं खोल पाएगा, एंड तुम्हारे घर को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएगा, मतलब यार इससे तो सुपर सिक्योरिटी हो जाती है घर की। एंड यार, इससे तुम्हारा कोई आइटम भी स्टोर नहीं होगा, मतलब यह बहुत मस्त चीज़ है। एंड यार, ऐप के अंदर से तुम कीज भी बाय कर सकते हो, जिन कीज से तुम क्रेट्स खोल सकते हो, और जो कि क्रेट्स बहुत ज़्यादा ओपी होती हैं। इन क्रेट्स में से लिटरली तुम्हें नेदरराइट के टूल्स भी मिल सकते हैं। एंड मैं तो तुम्हें यही प्रेफर करूंगा कि तुम माइनक्राफ्ट में आसुबो का सर्वर खोल ही लो यार, बहुत ओपी सर्वर है। एंड यार, मैंने खुद इस सर्वर में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करी है, और यार तुम भी कर सकते हो। एंड यार, लैंड क्लेमिंग वाला ऑप्शन तो बहुत ही ओपी है, जिससे तुम्हारा सामान भी चोरी नहीं होगा। एंड यार, आसुबो का ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यार, कितनी ज़्यादा रेडस्टोन टॉर्च है यहाँ पे यार, मैं तो तोड़ते ही थक गया। एंड ये मुझे कुछ गलत सीन लग रहा है यहाँ पे। हाँ, अरे गाइज, यहाँ पे कुछ लगता है कुछ गलत सीन हुआ हुआ है। एंड इस विलेज में शॉकिंग बात तो ये है कि ये कुछ अलग ही विलेज है, मतलब इसमें फार्म में पानी की जगह लावा है, एंड वुड की जगह पे यहाँ पे ऑब्सीडियन लगा हुआ है। यार ये थोड़ा कुछ अलग बात नहीं है? और यहाँ पे दोनों का टूट, वेट, ओ भाई ये किसका घर है भाई साहब? क्या विलेज में रेड ग्लास और ब्लैक बेड भी होता है भाई? यार मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। एंड यहाँ से भी पीछे से सुबह हो चुकी है भाई, क्या? और अरे नहीं यार, आग लग गई मेरे अंदर। अब यार, मैं इतनी देर से कुछ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिल रहा ही नहीं है यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। सो गाइस, मैंने इतनी देर से यहाँ पे घूम के टाइम वेस्ट करा अपना, मुझे यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं मिला। वैसे यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये सीट हॉन्टेड ज़रूर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग ही चीज़ मिली है मुझे आज। तो यार, आप भी जाकर इस सीट को ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट एंटिटी जो आती है उसका नाम है एंडरब्राइन, जो कि माइनक्राफ्ट में मतलब डिस्ट्रक्शन ही मचा देता है। एंड इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सो हमें अभी इसमें वर्ल्ड ही बनाना पड़ेगा। एंड इसके बारे में कोई सीड भी नहीं दे रखी वेबसाइट पे, सो हमें खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा। सो मैं अभी वर्ल्ड में आ चुका हूँ। एंड या ऑब्वियसली मुझे क्रिएटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटिव से ही सामान लेके मैं है वो, मतलब यार उसका एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर बना पाऊंगा, क्योंकि सर्वाइवल में तो उसको बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। एंड मुझे एक प्लेन जगह ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे आसपास में, जहाँ पे मैं अपना एंटरप्राइज को बना सकता हूँ।
सो यार यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ है, मुझे कोई प्लेन जगह चाहिए होगी। एंड हाँ, यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत प्लेन जगह, यहाँ पे हमें उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो भाई मैं यहाँ से थोड़ा सामान ले लेता हूँ, जिससे मैं मतलब उसका एंडरब्राइन का स्ट्रक्चर बना लूँ। एंड मुझे यहाँ पे स्कल की ज़रूरत है और एक स्टीव के हेड की ज़रूरत है। सो यार इसका तो हमें स्ट्रक्चर उसकी तरह ही बनाना है, विदर की तरह। एंड बीच में लगेगा एक नॉर्मल हेड। एंड अब मुझे दोनों साइड में स्कल्स लगाने हैं विदर के। अरे नहीं यार, गलत लग गया, एक यहाँ पे एंड लास्ट वन हमें यहाँ पे लगाना है। अबे यार कहाँ पे लग गया यार, गलत लग गया मेरे से। चलो यहाँ पे लगाया था। एंड यार मैंने जैसे सोचा था यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अबे यार मैंने जैसे सोचा था यार, एंडरब्रेन जैसे कोई चीज़ नहीं होती, ये सब फालतू काम है। अबे यार मैंने ये, एक सेकेंड, ये क्या है? ओ भाई यार ये क्या हो गया यहाँ पे मेरे, मतलब जहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसके पीछे यार ये हो क्या गया? अबे यार मुझे स्ट्रक्चर बनाया था, थोड़ा सा ही टाइम हुआ था, ये क्या हो गया यार मेरे साथ? अंडरब्राइन सच में तो नहीं यहाँ पे? यार अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा है, क्योंकि यार यहाँ पे ये क्या हो गया मेरे साथ? यार अंडरब्राइन सच में तो नहीं आ चुका है यहाँ पे? पता नहीं यार यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब यार मुझे तो अब डर ही लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यार मुझे लगता है मुझे अब वो स्ट्रक्चर को देखना चाहिए। एंड ओ नो, नहीं भाई यार ये स्ट्रक्चर कहाँ गया? अबे नहीं यार ये क्या हो गया, यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ही नहीं है, मतलब मैंने, नहीं भाई यार एंडरब्राइन तो नहीं यहाँ पे? यार मुझे डर लग रहा है यार, एंडरब्राइन तो नहीं आ चुका है यहाँ पे? यार क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं वर्ल्ड ही लीव कर रहा है, मुझे वर्ल्ड में खेलना ही नहीं है इस वाले में। अबे यार ये दोनों मिस जो हमने टेस्ट करी ये तो बिल्कुल ही रियल निकली, अगर यार तीसरी मिथ भी रियल निकल गई तो होगा क्या? वैसे तीसरी मिथ में निकल कर आता है कि एक्वा ब्रांड माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करता है, जो कि हमारे किसी भी वर्ल्ड के ओशन में ईजिली तो नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ मिलना थोड़ा मुश्किल है। सो हम अपनी नाकाम कोशिश करेंगे एक्वा ब्रांड को ढूंढने के लिए। सो मैं वर्ल्ड नो वेज, भाई मैं पानी में कैसे स्पॉन हो गया? 1.19 में तो हम पानी में स्पॉन ही नहीं हो सकते। अबे यार यार कुछ गलत लग रहा है मुझे, गलत सीन लग रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है यार यहाँ पे, मतलब यार मैं पानी में कैसे स्पॉन हो गया? चलो छोड़ो भाई, वुड ही तोड़ लेता हूँ मैं, वुड तोड़ के थोड़े टूल्स बना लेता हूँ। एंड मुझे बोट भी बनानी पड़ेगी थोड़ा एक्शन एक्सप्लोर करने के लिए, तभी तो मैं एक्वा ब्रांड को पकड़ पाऊँगा, वरना यार एक्वा ब्रांड को कैसे पकड़ूंगा, वरना पता नहीं क्या करूँगा मैं। एंड मेरे पास थोड़ी सी वुड आ चुकी है, चलो इससे मैं अभी बेसिक टूल्स तो बन चुके हैं। एंड मेरे पास एक बोट भी आ चुकी है, एंड जिस बोट को लगाने के बाद मैं अभी इस ओशन में घूमूंगा। सो मैं बोट में बैठ चुका हूँ। एंड यार अब हमें एक्वा ब्रांड को यहाँ ढूंढना है। एंड यार मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। एंड हो सकता है कि जहाँ से मैं स्पॉन हुआ था वो एक ग्लिच हो गया हो, एंड एक्वा ब्रांड, मतलब एक्वा ब्रांड जैसी कोई चीज़ होती नहीं है भाई, मैं तो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। एंड यहाँ पे ब्रिज का, मतलब ब्रिज के बायो में हूँ मैं बिल्कुल। एक सेकेंड, ये बबल्स के पार्टिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, इसको चेक करना पड़ेगा। एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ गाइस जाके। ओ भाई ये क्या है भाई, इतने ज़्यादा मतलब मैग्मा क्यों होंगे पक्का नीचे। ओ यार ये क्या हो रहा है मेरी बोट के साथ? ओ नो मेरी बोट नीचे चली गई। ओ नहीं, ओ नो वेज भाई यहाँ पे स्कल्स कैसे आ गए? अरे नहीं भाई यार ये ठीक नहीं है यार, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ पे स्कल्स आ गए। नो वेज यार, नहीं यार ये नहीं हो सकता, इस वाले वर्ल्ड के अंदर भी एक्वा ब्रांड है, मतलब यार तीनों मिथ सच हो गई, मैं नहीं खेल रहा यार, अब मुझे नहीं खेलना।